हेलो, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में ऑल एग्ज़ाम्स हेल्प। यह हमारा हैंड रिटन असाइनमेंट है जिसका सब्जेक्ट कोड है MPSE 22। यह हमारा टाइटल है असाइनमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ये हमारा हैंड रिटन असाइनमेंट है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए। और ये हम अपना हैंड रिटन असाइनमेंट हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है। अब चलते हैं हम अपने MPSE 22 के हैंड रिटन असाइनमेंट की ओर। ये हमारा सेशन ए है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। यह हमारा असाइनमेंट अपने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। आप प्लीज़ अपने इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन के आंसर को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए या फिर अपनी इस वीडियो को पोज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को बोल्ड करके एंड देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप यहीं तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन पॉइंट्स को हमने अंडरलाइन किया हुआ है देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पोज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन को। यहीं तक हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप प्लीज़ अपने अगर असाइनमेंट बनाते हैं तो प्लीज़ हम आप अपनी इस A4 साइज शीट का ही इस्तेमाल करें अपने असाइनमेंट के लिए। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है इंग्लिश या हिंदी में, हम दोनों में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमने अपना स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर को। यहीं तक हमारा सेशन ए के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने सेशन नंबर बी पे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को बोल्ड किया हुआ है देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपको हमारा यह असाइनमेंट पसंद आ रहा होगा। हम ये ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब हम आ गए हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। आप प्लीज़ अपने असाइनमेंट में ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करें। अगर आप अदर पेन का यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने इस आंसर की ओर। हम आ गए हैं अपने आंसर की ओर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए या फिर अपने इस वीडियो को पोज करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। यहीं तक हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं कि हमने अपने सिक्स्थ क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा है देन आंसर को ब्लू पेन से। आप प्लीज़ अपने असाइनमेंट में ब्लैक एंड ब्लू का ही यूज़ करें और वो बॉल होना चाहिए। अब आ गए हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन के आंसर की ओर। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है हिंदी या इंग्लिश में, हम दोनों में प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको इसका सॉल्व PDF भी चाहिए तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। हम आ गए हैं, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका सेवेंथ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आपको आसानी होगी लिखने में। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमने मेन पॉइंट्स को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पसंद आ रहा होगा हमारा ये हैंड रिटन असाइनमेंट। यहीं तक सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका एट्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। आप देख सकते हैं कि हमने मेरे मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। अब चलते हैं हम और उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। यहीं तक हमारा सेशन बी के ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने सेशन नंबर सी पे। अब आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने असाइनमेंट में ब्लैक पेन का एंड ब्लू पेन का यूज़ किया हुआ है। अब प्लीज़ अपना हैंड रिटन असाइनमेंट में ब्लू एंड ब्लैक का ही यूज़ करें। अगर आप अदर पेन का यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में भी अपने ब्लू एंड ब्लैक का ही यूज़ करें। यदि आप अगर अदर पेन का यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए या फिर अपने इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। यहीं तक हमारा नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका टेंथ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि ये मेन पॉइंट्स को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। यहीं तक हमारा टेंथ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका इलेवेंथ क्वेश्चन। ये हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। यहीं तक इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका ट्वेल्थ क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि हमने अपने असाइनमेंट हैंड रिटन असाइनमेंट को कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है एंड देन पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। आप हैंड राइटिंग देख सकते हैं कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग्स है। अगर आपको इसमें ही हैंड राइटिंग चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं हैंड रिटन असाइनमेंट। आप उस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहीं तक हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका थर्टीनथ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। यहीं तक हमारा थर्टीनथ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका फोर्टीनथ क्वेश्चन। हम आ गए अपने 14 क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। यहीं तक हमारा 14th क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका 15th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। हम ये असाइनमेंट ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर इसका सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है। यहीं तक हमारा 15th क्वेश्चन का आंसर भी कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका 16th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर।
यहीं तक हमारा 16th क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका 17th क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन को। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका 17th क्वेश्चन के आंसर की ओर। चलिए अब चलते हैं हम अपने आंसर की ओर। यहीं तक हमारा 17th क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। आप प्लीज़ अपने अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो प्लीज़ आप A4 साइज शीट का ही यूज़ करें एंड ब्लैक एंड ब्लू का ही यूज़ करें। यदि आप अगर कोई और सा पेन का यूज़ करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे असाइनमेंट में। आप देख सकते हैं कि हमने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहीं तक हमारा एमपीसीई 2022 का हैंड रिटन असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसका हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना है तो हम हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमें इस WhatsApp नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।